हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्ट्रगल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है थ्रिस्टी ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से। तो इसमें देखिए, इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है फॉर वेरियस जो है साइंटिफिक मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर और साथ ही साथ सीनियर क्लिनिकल इन्विजिलेटर की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना कर सके। अगर आप मेरे चैनल को देखना चाहते तो मेरे चैनल का नाम जो है वो दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर है। तो इससे जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मोस्टली मैं जो भी जॉब से रिलेटेड, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर या अगर आपका पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, इसके अलावा पोस्ट डॉक्टोरल पोजिशन से रिलेटेड, इसके अलावा जो आपका लेक्चर से रिलेटेड जो भी पोजिशन है उनका नोटिफिकेशन मैं यहाँ रेगुलरली जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आप जो है आईसीएमआर या गेट या डीबीटी जेआरएफ या सीएसआई जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी साइंस से रिलेटेड एमएससी एंट्रेंस या बीएससी एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो भी मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे मेरा वो भी कंटेंट देख सकते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड भी। तो अगर आपको यहाँ पे कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी टाइप की इस टाइप की वीडियोज को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो ये नोटिफिकेशन आया है ये आया है थ्रिस्टी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये नोटिफिकेशन है ये ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ से नोटिफिकेशन जो है ये आया है, ठीक है, जो कि फरीदाबाद में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने रिक्रूटमेंट इज टू फिल अप द वैकेंसी इन द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मेंशन कर रखा है एपिडेमिक प्रिपेयरनेस थ्रू रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट सपोर्ट ऑफ इंडियन वैक्सीन डेवलपमेंट अलाइंड विद द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द कोलेशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन किया गया है और इसके अंदर जितने भी जो आपकी पोस्ट है वो मेंशन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने पोस्ट मेंशन कर रखा है सीनियर क्लिनिकल इन्विजिलेटर, जिसकी वन पोस्ट है। यहाँ पे देखिए, सैलरी आपको मिलेगी वो 96,000 मिलेगी और यहाँ पे एज लिमिट है 40 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका एमडी होना चाहिए या इक्विवेलेंट आपका पीएचडी होना चाहिए लाइफ साइंसेस में, वेटरनरी साइंसेज में, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और रिलेवेंट ब्रांच विद बेसिक एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 4 ईयर्स ऑफ पोस्ट आपका विद मिनिमम 4 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी सीनियर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर की फॉर्म लाइक आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी, यानी आपकी पोजीशन जाएगी सीनियर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इन ह्यूमन सेफ्टी स्टडीज एंड ओवर सींग द रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ अर्ली स्टेज वैक्सीन डेवलपमेंट विच विल बी कंडक्टेड इन कोलाबोरेशन विद थ्रिस्टी पार्टनर्स, ठीक है। ही सी विल ऑल्सो वर्क विद द टेक्निकल मैनेजर्स एट द पीएमयू टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग क्लिनिकल एसिड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एज एन सीनियर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर आपको आपको ज्वाइन करना है और आपको यहाँ पे जो है कोलेबोरेशन में जो है वो क्लिनिकल टेस्टिंग और क्लिनिकल एसिड डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे आपको करना है। इसके अलावा सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की भी वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है, जो वन पोस्ट है, 91,000 आपको सैलरी दिया जाएगा और जो एज है वो 35 ईयर्स है। तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन पीजी एंड परफॉर्मेंस डिग्री होनी चाहिए आपकी लाइफ साइंसेज में, 6 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका पीजी डिग्री लाइफ साइंसेज होना चाहिए भी 7 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा आपका नॉलेज होना चाहिए इन द एरिया ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सब यहाँ पे डिजायरेबल जो है वो आपका यहाँ पे दे रखा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और साथ ही साथ आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर का यहाँ पे दे रखा है, तो आप जो ऐसे करके जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 73,000 देगा, 40 ईयर्स, यहाँ पर भी आपका पीएचडी होना चाहिए लाइफ साइंस में और 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड। तो ये सब चीज़ें जो है मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो जो है टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट भी है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें वन पोस्ट है, ₹60,000 आपको पे कर आपको यहाँ पे जो है स्टाइपेंड या सैलरी दी जाएगी और 30 ईयर्स आपकी एज है। यहाँ पे आपका बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब जो आपको क्या करना है कि मेंटेन करना है आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉल्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ साइंटिफिक लैब। तो यहाँ पे वर्क भी इन्होंने मेंशन कर रखा है,
कि आपको क्या क्या वर्क करना है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ HT 11 kV इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो ऐसे करके आप इस कॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे पूरा जो अभी आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी यहाँ पे मैंशन कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो नोट लाइक जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट वो 18 अगस्त 2021 है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, कोई भी हार्ड कॉपी जो है आपको नहीं भेजनी है, तो नो हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड, ये एक अच्छी बात है। तो आप जो है 18 आज के दिन भी जो है इसका अप्लाई कर सकते हैं, नो हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड, आपको सिर्फ ऑनलाइन जो है वही फिलअप करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हम चीज़ें देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको जो लाइक एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एज रिलैक्सेशन जो रहेगा, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स का, अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, इसके अलावा CV आपका होना चाहिए जिसमें क्वालिफिकेशन पोजीशन हेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिस्टिंक्शन, आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट PG डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट PhD MD डिग्री एप्लीकेबल रिलेवेंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी रिजर्व कास्ट में अगर आप जो अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए प्रोसीजर, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोसीजर कैसा है। तो आपको सबसे पहले अपना डिटेल जो है वो आपको मैं सबमिट करना है, अप्लाई करने के टाइम पे आपको फिल करना है, फिर अपलोड करने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो ऊपर मेंशन करें, और पेमेंट आपको करना है फी का, ठीक है। तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए अगर आपने फी जो है पे कर दी तो ये रिफंड नहीं होगी अंडर एनी सर्कमस्टेंस, इन्होंने आपके लिए क्लियरली मैंशन कर रखा है। और यहाँ पे देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे ₹590 जो है वो पे करने पड़ेंगे। मगर आप SC कैटेगरी ST वूमेन या PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ₹118 जो है वो पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फी पेमेंट था, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे ईमेल जो है वो सेंड कर सकते हैं personal@hd.res.in, ठीक है। तो ये मेल आईडी है, अगर आपको कोई भी क्यूरी अगर आपको चाहिए, आपको कोई भी डाउट है तो आप इस पे जो है वो आप मेल कर सकते हैं अपना स्क्रीन शॉट लेके, यानी कि अगर सपोज आपका फी पेमेंट अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपका फी पेमेंट नहीं हो रहा है तो अगर स्टक हो गया आपका फी पेमेंट या कभी कोई ऐसा सा ट्रांजेक्शन आईडी भी आपके पास आ जाता है, पैसा कट जाता है, तो इन सब का आपको स्क्रीन शॉट लेके जो है आपको सेंड कर देना है इस मेल आईडी पे अपनी क्वेरी से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वे में जो है आपको स्क्रीन शॉट लेके जो है आपको सेंड करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपका डिस्कस किए हैं, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक नहीं है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपका डिस्कस कर लिया है। तो ये पूरा होल नोटिफिकेशन जो है मैंने आपका डिस्कस कर लिया है, तो इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।